वेलकम टू माई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 5, एक्सरसाइज 5.1। द नेम ऑफ द टॉपिक इज फैक्टोराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का पार्ट 1। सॉल्यूशन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिखे जा रहा हूं, जिस जो फार्मूला इसमें यूज होगा, पहला जो फार्मूला इसमें यूज होगा, दैट विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जो सेकंड फार्मूला है वो होगा ए स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी। अब यहाँ से नेगेटिव साइन, अगर आप साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, क्योंकि ये दोनों साइन आपके पास हो जाएंगे चेंज, पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है। अब ये वाला जो पूरा है ये यहाँ पे जब फॉर्मूले का एप्लीकेशन करते हैं, ये एक स्टेप मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इज इक्वल टू ये होगा एक्स होल स्क्वायर, यहां से इसको मैं करता हूं कॉपी, इट विल बी हियर, बल्कि ये इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा, इसको मैं कर देता हूं एक्स होल स्क्वायर के लिए। It will be this x whole square, और minus के लिए दोबारा minus, ये हो जाएगा y plus 3 whole square, क्योंकि ये formula को जब हम close करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, y प्लस, ये y प्लस 3 होगा, x पहले है, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज ओपन फॉर्म और y प्लस 3 होल स्क्वायर इज अ क्लोज फॉर्म। अभी ये देखें, टू टर्म्स हैं और ये नेगेटिव साइन के साथ कनेक्टेड हैं, आप एक दफा इसको करेंगे प्लस, एक दफा माइनस कर देंगे, जब प्लस करेंगे तो x प्लस y प्लस 3, प्लस के साइन से कोई चेंजिंग नहीं आता, जब ये नेगेटिव हम करने जा रहे हैं तो इसके अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, इट विल बी माइनस वाई माइनस 3। सेकेंड टर्म आपके पास होगा एक्स माइनस वाई माइनस 3। पार्ट 2, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। Then a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square, एक formula use होगा, और second में a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। x square, उसके बाद माइनस का साइन कॉमन लिया, इन टू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अब ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा क्योंकि ये ओपन फॉर्म था, इसको जब क्लोज करेंगे तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद दोबारा ये एक दफ़ा प्लस होंगे, एक दफ़ा माइनस होंगे, x प्लस a माइनस 1 इन टू x माइनस a प्लस 1। पार्ट 3 के लिए देखिए, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, जो सबसे पहले जो फॉर्मूले यूज होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी। 4x स्क्वायर उसी तरह लिखा जाएगा, इन टू माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 होगा, ये है ओपन फॉर्म,
फार्मूले का। जब इसको क्लोज करेंगे तो y माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, और ये 4x² मीन 2x होल स्क्वायर। देन सेकंड वाला फार्मूला यूज होगा, 2 स्क्वायर्स हैं, माइनस का साइन है इन बिटवीन, एक दफा प्लस करेंगे एक दफा माइनस, 2x + y + 1, 2x - y - 1। पार्ट फोर्थ, x² - y² + 4x - 2y + 3। अब जो +3 है ना, उसको आप करेंगे +4 - 1, क्योंकि जब इसको आप +4 - 1 करेंगे तो आपके पास आंसर +3 ही आएगा, लेकिन आप ये +4 - 1 करने से आपके पास 2 नंबर मिल जाएंगे और आप इसको फार्मूले में फिट इन कर सकते हैं। पहले है आपके पास फार्मूला a+b² = a² + 2ab + b² और a·b² = a² - 2ab + b² का दोनों का फार्मूलों का एप्लीकेशन है। और थर्ड में जो फार्मूला यूज होगा, इट विल बी a²-b² = a+b × a-b। अब देखिए, +4 को मैंने इस टर्म के साथ मिलाया है, x²-4x + 4, और -1 को इस 2y² के साथ, -2y के साथ इसको लिंक किया है। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, y² + 2y + 1, यहाँ भी ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देंगे। अब ये दोनों फार्मूलों का ओपन फॉर्म है, ये आपके पास है x-2 का होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर का फार्मूले का एप्लीकेशन है, और ये a+b होल स्क्वायर का एप्लीकेशन है, ये y+1 का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद थर्ड फार्मूला a²-b² = a+b a-b का एप्लीकेशन होगा। अब x-2 + y + 1, अब यहाँ पे 2 लाइक टर्म्स हैं, -2 और +1, तो इसको हम प्लस माइनस कर लेंगे, आंसर आंसर में -1 मिलेगा। यहाँ पे -2 है और -1 है, -3 हो जाएंगे, x-y उसी तरह लिखा जाएगा, -2 और -1 -3 हो जाएंगे। ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है आपका पार्ट फिफ्थ, 25x²-10x+1-36z². a·b² = a²-2ab + b² एक फॉर्मूला, और सेकंड में a²-b² = a+b × a-b, दो फॉर्मूलों का यहाँ पे यूज होगा। ये है z 36z² अब यहाँ पे 5x² - 2 × 5x × 1 + 1 होल स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूले का ओपन फॉर्म जो है ना वो एक्सप्रेस कर दिया है, और 36z² को लिखा है 6z होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे 2 आपके पास स्क्वायर हैं और कनेक्ट हो रहे हैं विद नेगेटिव साइन, तो एक दफा प्लस करेंगे एक दफा माइनस करेंगे आप, और ये मैं थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं साथ साथ ठीक कर देता हूँ। 5x-1 + z 6z और 5x-1 - 6z, ये आप इसको अरेंजमेंट में कर दें, अरेंजमेंट करेंगे तो 6z जो है वो एक्स के साथ आ जाएगा, नंबर एंड पे आ जाएगा -1, और यहाँ भी -1 और 6z को मैंने सेंटर में लिख दिया है। नेक्स्ट है आपका पार्ट 6, x²-y² - 4xc + 4z². थोड़ा सा इसको रीअरेंजमेंट करेंगे आप, x²-4xc + 4z² और -y² को आप जरा साइड पे लिख दें। a·b² = a²-2ab + b² फॉर्मूला नंबर 1 जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगा, और a²-b² = a+b × a-b सेकेंड फॉर्मूला यूज होगा। अब ये मैंने इसको एक्सप्रेस किया है x²-4xz + 4z² को इन टर्म्स ऑफ द फार्मूला, ये हमारे पास क्लोज होके आ जाएगा x-2z होल स्क्वायर, और y² को लिखा है y होल स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर हैं, नेगेटिव साइन के साथ कनेक्टेड हैं, एक दफा प्लस करें एक दफा माइनस कर दें, और इसको y को अरेंजमेंट में लिखने के लिए x के साथ लिख लें, x+y - 2z,
और एक्स माइनस वाई माइनस टू जी, ये आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पे कमेंट करें, मेरे चैनल पे कमेंट करें। अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हों तो उसके लिए मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिए 0321-5838-264, और मेरे वीडियोस का अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।